नमस्कार, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आयुष वैष्णव दबंग राजधानी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गणतंत्र दिवस या फिर कहा जाए संविधान दिवस, वह संविधान जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के बहुत ही जाने माने कानून के जानकार और बहुत ही पूजनीय माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश को एक अखंड राष्ट्र बनाने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए संविधान का निर्माण किया था, आज छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा उसी संविधान के साथ पैसे का खेल खेला जा रहा है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा, जी हाँ, ये कटाक्ष छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के ऊपर कड़वा है लेकिन सच है। आज आप छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के माहौल को देख रहे हैं, यह माहौल बहुत ही निंदनीय सा प्रतीत होता है। आज आप छत्तीसगढ़ में जहां देखोगे वहां आपको क्राइम रिकॉर्ड में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपको चोरी के मामले इतने बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, आपके नशाखोरी के कारण आपको इतने सारे गलत गलत कृत्यों के अंजाम दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखते हुए आज छत्तीसगढ़ महतारी रो रही है कि आखिर क्यों उसकी माटी में, उसकी भूमि में संविधान को सुचारू रूप से नहीं क्रियान्वित किया जा रहा है। लगातार बढ़ते अपराधों को देखने के बावजूद ना छत्तीसगढ़ की शासन प्रणाली ने, ना ही प्रशासन प्रणाली ने कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए, ना ही कोई कार्यवाही हुई अभी तक। लगातार दुर्ग जिले के भिलाई शहर में हर दूसरे तीसरे दिन हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी रहता है। लगातार हत्या करने वाले पकड़ाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर हत्या करते हैं। वही वारदात बार बार अंजाम दी जाती है लेकिन प्रशासन चुप है, सरकार चुप है, आखिर क्यों? गांजा बेचने वाले हर दूसरे दिन पकड़ाते हैं और तीसरे दिन फिर से गांजा बेचते हुए मिल जाते हैं, आखिर क्यों? रेप करने वाला 2 दिन जेल में रहता है, तीसरे दिन फिर से छत्तीसगढ़ में। रेप करने वाला 2 दिन जेल में रहेगा, तीसरे दिन फिर से उसे छत्तीसगढ़ में एक आम व्यक्ति की तरह घूमते हुए देखा जाता है, आखिर ऐसा क्यों? मोबाइल फोन्स का काला बाजार करने वाले, चोरी के मोबाइल का व्यापार करने वाले व्यापारी बड़े ही ठसन के साथ आज अपनी महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, आलिशान बंगलों में रहते हैं। लेकिन हमारी यह शासन इतनी नाकाबिल हो चुकी है कि सभी चीजों को आंखों के सामने होने के बावजूद कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं करती, आखिर ऐसा क्यों? इन सभी तर्कों से सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि क्या गांजा तस्करों को भूपेश सरकार का संरक्षण मिल रहा है? क्या मोबाइल चोरों को भूपेश सरकार का संरक्षण मिल रहा है? क्या रिश्वतखोरों को भूपेश सरकार का संरक्षण मिल रहा है? अभी आपने खबर भी पढ़ा होगा कि लगातार छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े अधिकारी खनिज घपलों के मामलों में लगातार ईडी के द्वारा पकड़ाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भूपेश सरकार अपना मुंह नहीं खोल पा रही है, आखिर ऐसा क्यों? क्या भूपेश सरकार उन्हें संरक्षण देती है? अगर संरक्षण नहीं देती है तो उनकी चुप्पी का कारण क्या है? आज छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भयावह माहौल बनता जा रहा है उसे देखते हुए मैं आयुष वैष्णव प्रदेश प्रमुख सीधे सीधे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर यह आरोप लगाना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं उन सभी को आपके द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। अगर आपके ओर से संरक्षण नहीं दिया जा रहा होता तो आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में खुलेआम शराब बिकता, खुलेआम गांजा बिकता, खुलेआम मोबाइल चोर धड़ल्ले से चोरी के मोबाइल को बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर बेच पाते? और भूपेश बघेल जी, आप भी जानते हैं कि इन सभी के ऊपर कोई एक बैठा है जो ये काले व्यापार को चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद ना आज तक आपने उस मुख्य व्यक्ति के ऊपर कोई कार्यवाही की, ना ही कोई निर्देश दिए उनके लिए ताकि उनकी जांच हो सके और उनका सच सामने आ सके। क्या आप भी लिप्त हैं? ये प्रदेश प्रमुख आयुष वैष्णव सवाल करता है आपसे। हम आपके सामने एक और विशेष मुद्दा रखना चाहेंगे भूपेश बघेल जी। आज 26 जनवरी है, हमारे देश का गणतंत्र दिवस। जैसा कि आपको भी पता है कि आज पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी शराब के ठेके नहीं लगेंगे, आज हर जगह पर शराब बंद है, लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में आज के दिन, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन आपके राज्य छत्तीसगढ़ में शराब के कालाबाजारियों का जिस तरीके से व्यापार का बोलबाला अभी तक देखने को मिल रहा है, इसे देखते देखते हम
क्या कह सकते हैं कि क्या हमारा छत्तीसगढ़ सही में संविधान का पालन कर रहा है। आपके ही पाटन विधानसभा क्षेत्र में 45 गांवों में खुलेआम शराब बिक रहा है अवैध रूप से, और आपको पता नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप चुप है, आखिर क्यों? ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था भूपेश बघेल जी, तो देश प्रमुख आयुष वैष्णव आपके लिए ऐसे ऐसे मुद्दे लाएगा जिन्हें देखकर आप अपनी त्रुटियां पहचान पाएंगे और उन्हें सुधार करने का भरपूर प्रयास करेंगे, मैं यही आशा करता हूं। और हम यही आशा करेंगे कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते हुए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कम करने में अपना योगदान दें। ये बड़े शर्म की बात है कि आज एक पत्रकार को, एक राज्य के मुख्यमंत्री को उनकी कड़वी सच्चाई बतानी पड़ रही है जो उन्हें सामने से दिखाई दे रहा है उसके बावजूद। अगर ऐसा होता कि मुख्यमंत्री जी को इन सब जुर्म के बारे में नहीं पता है कि कौन मोबाइल चोरी करवा रहा है, कौन गांजा बिकवा रहा है, कौन हत्याएं करवा रहा है, कौन आतंक को जन्म दे रहा है, भूपेश बघेल जी ये सब जानने के बावजूद चुप रहते हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए अपराधों को अंजाम देने वाले उन सभी व्यक्तियों को संरक्षण दिया है जो छत्तीसगढ़ के आतंक के लिए, छत्तीसगढ़ के इस भयावह माहौल के लिए जिम्मेदार है। ऐसे ही सनसनी खबरों के लिए और सनसनी खुलासों के लिए आप बने रहिए दबंग राजधानी के साथ। यह तो था एक ट्रेलर, आयुष दिखाएगा आपको पूरी कहानी छत्तीसगढ़ के रोते हुए आंसुओं की जुबान।